नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के प्राय राज्यों में, खासकर बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अनेक राज्यों में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा न्यायालय में बहुतायत में हो रहा है। आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, हम भी इस बात से सहमत हैं कि विवाहोपरांत किसी बहू से या उनके परिवार वालों से किसी प्रकार का दहेज मांगना एक अनैतिक कार्य है और घिनौना कार्य है, और आप सभी भी इस बात से सहमत होंगे। परंतु मैं तो एक वकील हूँ, अधिवक्ता हूँ, इस विषय वस्तु, इस मुकदमे के पीछे क्या राज है, इसके विषय में मुझे अच्छी तरह जानकारी है। ये दहेज प्रताड़ना का जो मामला है, यह कहीं कहीं सत्य भी है, परंतु कहीं कहीं इसकी कहानियाँ कुछ और होती है। अक्सर दहेज प्रताड़ना की घटना से संबंधित वाद का कहानी कुछ और ही होता है, और बहुतायत में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा असत्य कहानियों को रचकर, झूठी कहानियों को रचकर, मनगढ़ंत कहानियों को रचकर मुकदमा फाइल हो रहा है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। दोस्तों, पत्नी पति पत्नी का संबंध सृष्टि का आधार है। अगर इन दोनों के बीच किसी प्रकार का मतभेद होता है तो इसमें हम सभी को, खासकर इन पति पत्नी के जो गार्जियंस हैं, उन्हें सतर्क होकर, सजग होकर इनके संबंध को प्रगाढ़ करने में, अच्छे बनाने में मदद करनी चाहिए। इनके बीच उत्पन्न हुए मतभेद को समाप्त करने की प्रयास करनी चाहिए और मुकदमाबाजी के चक्कर से बचना चाहिए। इस घटना के पीछे कुछ बैड एलिमेंट्स कार्य कर रहे हैं, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग करना, फेसबुक का बहुतायत से प्रयोग करना, और समाज के बैड एलिमेंट्स से ताल्लुकात रखना भी इन घटनाओं के पीछे एक महत्वपूर्ण तत्व बनकर कार्य कर रहा है। दोस्तों, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए जो संविधान प्रदत्त कानून बनाए गए हैं, उनका भी बहुतायत से दुरुपयोग देखा जा रहा है। यद्यपि इस कानून का सदुपयोग करना चाहिए, और साथ ही पुरुष वर्ग की नैतिक पतन भी इसका मुख्य कारण है। दोस्तों, आगे मैं आज के विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके साथ इस तरह की घटनाएं घटने की संभावना प्रबल है, इस तरह की घटना होने की संभावना है, आपकी पत्नी अहंकारी स्वभाव की है, मनबढ़ू प्रवृत्ति की है, झूठा दिखावा करने वाली है, और उनका चरित्र संदेहास्पद है, तो साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि यदि वह इस स्वभाव की महिला है कि वह किसी दूसरे के बहकावे में आ जाती है, घर गृहस्थी को ठीक से चलाना नहीं चाहती है, सास ससुर और परिवार के अन्य परिजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सही ढंग से पेश नहीं आती है, उनका सम्मान नहीं करती है, समझाने पर वह धमकी देती है मुकदमा कर देने की, तो इस तरह की जो महिलाएं हैं,
जिनका चरित्र ढुलमुल नीति का है, ड्वेल पॉलिसी का है, तो इनके दैनिक क्रियाकलापों का अवश्य ही हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। और इस तरह का अगर वीडियो रिकॉर्डिंग आप करते हैं तो यह भविष्य में आपको काम दे सकता है। और उनके दैनिक क्रियाकलापों का, उनके आचरण का सबूत इकट्ठा करें, और साथ ही आप उनके गार्जियन से संपर्क करें और इस संबंध में उनसे बातचीत करें। और यदि आप ऐसा पाते हैं कि उनके गार्जियन का भी स्वभाव अच्छा नहीं है, पुत्री मोह में अपने पुत्री की स्वभाव को सही ठहराते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, और उनका स्वभाव है कि वे आपको परेशान करें, आपके गार्जियन को परेशान करें, उन्हें समाज में नीचा दिखाने का प्रयास करने का उनका मंसूबा है, वह अपने बेटी को अधिकाधिक समय तक अपने साथ मायके में रखती है और आपको बिदागरी नहीं देते हैं, तो आप बिदागरी के लिए अपने साथ समाज के कुछ लोगों को सबूत के तौर पर वहाँ ले जाएं और उनसे बातचीत करें। फिर भी यदि आप ऐसा भांपते हैं कि उनका मंसूबा अच्छा नहीं है, तो उनके द्वारा अगर मुकदमा करने की संभावना है तो उनके मुकदमा करने से पहले ही आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा परिवार न्यायालय में अवश्य कर दें और उन्हें नोटिस करें। नोटिस करने के बाद जब वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से उस मुकदमे में अपीयर होंगे तो वहाँ जज द्वारा भी समझाया जाता है और आपको भी काउंसलिंग कराया जाता है दोनों के संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए। और इस तरह से उनके द्वारा जो दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा करने का मंसूबा है वह समाप्त हो सकता है, जो झूठा मुकदमा होने की संभावना है वह टल सकती है, आपकी रक्षा हो सकती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि आपकी पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का मुकदमा करती है, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर देती है, तो आपके द्वारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो मुकदमा पूर्व से किया हुआ है वह आपकी रक्षा करेगा। इसलिए इस दहेज प्रताड़ना के मुकदमे से बचने के लिए एकमात्र उपाय रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा है, जो आपकी रक्षा करता है और आपके ऊपर हुए झूठे मुकदमे से आपको भविष्य में बचाने का कार्य करता है। इसलिए इस तरह की अगर आपके साथ घटनाएं होने वाली है, संभावना है, तो उनके द्वारा मुकदमा करने से पूर्व ही आप इस तरह का मुकदमा परिवार न्यायालय में करके रखें। यदि दहेज प्रताड़ना का मुकदमा आपके ऊपर हो जाता है तो ये जो आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मुकदमा है, यह इस मुकदमे से आपको जमानत लेने में आसानी होगी, सहूलियत होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।